फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को मंजूर कर लिया है, यानी कि हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तो हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को मंजूर किया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कथित शराब घोटाला में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला, हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को मंजूर कर दिया और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए थे अरविंद केजरीवाल के वकील, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी थी और एक बार फिर से ईडी की जो भी याचिका थी उसको हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, यानी हाई कोर्ट अब ईडी की याचिका को मंजूर करते हुए इस पर सुनवाई करेगा। इंतजार और लंबा, तिहाड़ जेल से बाहर आने का अरविंद केजरीवाल का, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है अरविंद केजरीवाल को, और कब तक राहत नहीं मिलेगी इस पर कुछ भी कहना अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब 20 जून को तिहाड़ जेल से रिहा करने के लिए जब उनको जमानत मिली थी, उसके बाद दूसरे ही दिन जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले थे, पूरी तैयारी लगभग आप पार्टी की तरफ से कही जा चुकी थी, लेकिन उस बीच में बड़ा झटका लगा अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल ईडी की तरफ से सीधे हाईकोर्ट की तरफ रुख किया गया और ईडी ने कहा कि मौका नहीं मिला है अपनी तरफ से मुझे अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने के लिए। हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से सुनवाई हो रही थी और उसी के बीच में तब तक हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी तब तक जमानत नहीं हो सकती है, और उसके दूसरे दिन ही अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए। लेकिन अब एक और बड़ा झटका नजर आ रहा है, केजरीवाल की जमानत पर अभी रोक जारी रहेगी। ईडी की याचिका हाईकोर्ट के द्वारा मंजूर कर ली गई है, तो जब तक हाईकोर्ट में ईडी की याचिका मंजूर की गई है उस पर कार्रवाई चलेगी, उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही कोई फैसला आ पाएगा। तब तक तिहाड़ जेल में ही बंद रहना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तो हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, ईडी की याचिका मंजूर कर ली गई है। ईडी लगातार जो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से निकालने पर सहमति जताई गई थी, ईडी ने उस पर रोड़ा लगाते हुए हाईकोर्ट की तरफ रुख किया। अब याचिका मंजूर कर ली गई है, ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में अपना स्टैंड रखा जाएगा, अपने जो तमाम दस्तावेज है उसको रखे जाएंगे। ईडी अपने तरफ से स्पष्ट करेंगे कि क्यों कथित शराब घोटाला में कैसे अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और क्यों इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल ये देखना होगा कि किस तरह से सुनवाई होती है, क्या स्टैंड ईडी की तरफ से रखे जाते हैं, किन दस्तावेजों को पेश किया जाता है। और लेकिन फिलहाल इस तरफ आप पार्टी को बहुत बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल वो तिहाड़ जेल से कब तक बाहर आएंगे इस बात की अभी कोई स्पष्टता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को फिलहाल मंजूर कर लिया है, फिलहाल जेल में ही अरविंद केजरीवाल रहेंगे, कब तक रहेंगे ये कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं है। जमानत पर अरविंद केजरीवाल के अभी भी रोक जारी रहेगी, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हाई कोर्ट से राउज एवेन्यू के फैसले पर रोक लगा दी गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी 20 तारीख को, यानी 20 जून को रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने की जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद ईडी ने दूसरे दिन ही जब अरविंद केजरीवाल को बाहर आना था, बाहर आने से पहले ही ईडी ने रोड़ा अटकाते हुए सीधे हाईकोर्ट पहुंचा। अब याचिका को मंजूरी देते हुए अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर एक बार फिर से तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे अरविंद केजरीवाल, कथित शराब घोटाला को लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार तिहाड़ जेल में इनके दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जब उम्मीद होती है अरविंद केजरीवाल को कि वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहने की जो कोशिश है वो फिलहाल लंबी करती हुई लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को मंजूर कर लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी, लेकिन फिलहाल इस जमानत पर एक बार फिर से रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू के उस फैसले को
नामंजूर कर दिया है, उस फैसले को ना मानते हुए ईडी के उस याचिका को मंजूर कर लिया है, जहां ईडी ने कहा था कि अपने स्टैंड को फिलहाल क्या कुछ बोला जा रहा है वो सुनाते हैं। रिगार्डिंग सेक्शन 45 हैविंग नॉट बीन कंसीडर्ड प्रॉपर्ली एंड अदर इज दैट द पेपर्स नॉट बीन पेरूज बाय द कोर्ट दैट्स इट प्लीज क्या कर रहे हो आप ओके 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 हो गया हटो 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 तो सीधे ईडी की तरफ से आपने सुना कि द स्टैंड हैज बीन नॉट कंसीडर्ड इन द कोर्ट। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके स्टैंड को, उनके पक्ष को कंसीडर ही नहीं किया गया था, वह मौका ही नहीं मिला। और इसी बात को लेकर ही हाई कोर्ट की तरफ से रुक किया तो इसी याचिका को मंजूर कर लिया गया है। सुधीर ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सुशील। सुशील, एक बार फिर से मुश्किल अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर ईडी की। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसमें ईडी को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, और जो इस सेक्शन 45 पीएमएलए है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी उस पर भी कोई भी टिप्पणी नहीं की गई, यानी कि केस की जो मूल आत्मा है उस पर ट्रायल जज ने कोई फोकस नहीं किया और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ये फैसला दिया। और जिस तरह ईडी ने कहा कि का जो सबमिशन है वो भी ठीक से नहीं सुना गया और इसको हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रिकॉर्ड पर लिया है, और यही आधार मानते हुए फिलहाल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जो अंतरिम रोक लगाई थी वो जारी रखी और ये कहा कि अब जब तक फाइनल उनकी जमानत पर फैसला दिल्ली हाईकोर्ट नहीं ले लेता है तब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी और तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश का आप इंतजार करें। हाँ। तो अब हाईकोर्ट का जो आदेश है वो उनके खिलाफ है, अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी जानकारी ये भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था जो